व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक है, ये आपको दिख रहा होगा सामने तोता, इसकी जो आँख है ये बहुत बड़ी हो जा रही है, तो मैंने इसको अलग कर दिया है। तो जो इसके अंडे थे, तकरीबन चार अंडे थे, चार, एक अंडा मैंने किसी और तोते के नीचे रख के, बाकी तीन अंडे हैं। मैं अभी देख रहा हूँ जगह इनकी, बना रहा हूँ इन अंडों की, क्योंकि अभी इस मटकी में अंडे पड़े हुए हैं, इस मटकी में अंडे हैं और इस मटकी में अंडे हैं। तो ये जो तीन अंडे हैं, तो इन तीनों में मैं एक एक अंडा डाल दूंगा, या तो किसी में जगह कम हुई तो उसमें नहीं डालूंगा, जिसमें कम अंडे होंगे तो उसके अंदर ये तीन अंडे डाल दूंगा। क्योंकि ये जो कंडीशन इस तोते की हो गई है बहुत बुरी हो गई है, इसकी दूसरी आँख पर भी ये फैल रहा है। आप ये देख सकते हैं इसकी दूसरी पहली वाली जो आँख थी वो कितनी कैसी हो चुकी है, फुल रेड, आपको ये दिख रहा होगा कैसी लाल हो चुकी है। दूसरी आँख पर भी ये फैलना है, तो मैंने इसको अलग कर दिया है इस तोते की। इस तोते को मैंने पहले ही अलग कर दिया था, लेकिन ये थोड़ा बेहतर हो गया। आप देख सकते हैं इसकी आँख में इतना वो नहीं है, ये इस आँख में बहुत ज़्यादा हो चुका है। आप ये देख सकते हैं, ये भी इस तरफ देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा, तो उस आँख से दिख भी नहीं रहा मेरे ख्याल से, इसी आँख से दिख रहा है एक आँख से। तो मैंने सोचा कि इसके अंडे हटा ही दूँ। इसके अंडे मैंने चेक करे तो माशाल्लाह चार अंडे, जो चारों के अंदर बच्चे थे, इसके अंदर भी बच्चे, आपको दिख रहा होगा अंडे का कलर। तो मैंने कहा इसके अंडे ज़ाया होने से बेहतर है कि किसी और तोते के नीचे रख दें, इंशाल्लाह वो तोते बच्चे निकाल देगा इस अंडों में से। और इसका जो नर था वो मैंने इधर डाल दिया, ये आपको दिख रहा होगा, क्योंकि ये नर तो माशाल्लाह ठीक है। ये यहाँ पे अगर किसी के साथ पैर बना ले तो ठीक है, वरना तो इसका पैर इसी के साथ लगेगा, अगर जब तक ये ठीक नहीं होगी। तो क्योंकि इसके अंदर फीमेल तो है, वो ब्लू कलर की जो है वो इसके साथ शायद पेयर बना सकती है, क्योंकि ये नर भी अब बड़ा है, वो फीमेल भी बढ़ गई। बाकी ये तीन है, ये बच्चे हैं, बाकी इसकी मेरे ख्याल से इसकी लड़ाई हुई है किसी के साथ, इसकी नाक पे आप देख रहे हैं खून लगा हुआ है, और पर पे भी लगा हुआ है, तो इसकी किसी तोते के साथ लड़ाई हुई है। तो मैंने इसको थोड़ी दवाई वगैरह लगाई है, देख सकते हैं आप, क्योंकि तोतों में फटे बहुत होते हैं आपको पता है, जब भी मैंने अलग अलग सेपरेट सेपरेट करा हुआ है, वरना तो पहले मैंने पूरी कॉलोनी बनाई हुई थी, लेकिन जब बहुत फटे हुए थे और तोते अंडे बच्चे भी नहीं कर रहे थे, तो मैंने सब पेयर को अलग अलग कर दिया है। माशाल्लाह से सबके बच्चे आ गए हैं, आप देख सकते हैं दो बच्चे ऊपर बैठे हुए हैं, एक ये नीचे है, बाकी ये तीन बच्चे ये हैं, और ये तीन बच्चे बैठे हुए हैं, ये दो बच्चे बैठे हुए हैं, बाकी इसमें से अभी बाहर बच्चे आए नहीं फैलों के। बाकी माशाल्लाह से इसके अंदर से चार जो बच्चे थे, चारों के चारों बाहर आ चुके हैं, एक बच्चा ये है, बाकी दो या तीन वहीं पे घुसे हुए, एक और बच्चा कहाँ चले गया, मेरे ख्याल उसी के नीचे छुपा हुआ है एक और बच्चा, मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे लग रहा है कि दो हैं लेकिन उसके नीचे एक और छुपा हुआ है। अभी देख सकते हैं सो रहे हैं ये भी, इसमें आपको मैंने बताया था एक रेड आई, तो ये रेड आई भी बाहर आ चुका है, आपको दिख रहा होगा, तो ये हम अभी सो रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो होते हैं ये एक साथ घुस के सोने की इनको आदत होती है। माशाल्लाह से थोड़ा उड़ने लग गया है, तो ये ऊपर बैठा हुआ है, बाकी इसकी फीमेल अब इस मटकी में जा रही है। तो व्यूअर्स, अगर आपके साथ ऐसा हो तो इन सारे बच्चे अगर बाहर निकल जाएं तो मटकी वापस साफ़ करके लगा दें, क्योंकि ब्रीडिंग सीज़न है, इसमें किसी को चर्बी नहीं लगेगी, अगर चर्बी लगेगी तो आप फीमेल को वो अलग कर दें, वरना तो अंडे वो नहीं देगी फीमेल। माशाल्लाह से इनकी तो ये फर्स्ट ब्रीड थी, जब भी मटकी वापस लगी हुई है, वरना तो एक हफ्ते के बाद आप वापस मटकी लगा दें तो वापस अच्छी ब्रीड देगी, क्योंकि ये तो अभी सीज़न है, अभी मैंने इसमें मटकी नहीं हटाई है, लेकिन मैंने मटकी साफ़ करके वापस लगा दी, इंशाल्लाह बहुत जल्द अंडे दे देगी, क्योंकि देखें आप देख सकते हैं अभी मटकी में गई हुई है फीमेल, बाकी आपके सामने ही है, ये फीमेल भी इंशाल्लाह बहुत जल्द अंडे दे देगी, क्योंकि इसके दोनों बच्चे कब से बाहर निकले हुए हैं, बाकी इस फीमेल के बच्चे जो बाहर निकले थे सबसे पहले, तो इस फीमेल ने अंडे दे दिए हैं, और ये वाली जो फीमेल है इसने भी अंडे दे दिए हैं। बाकी इसका एक जो रेड आई का बच्चा था, ये देख सकते हैं ये बाहर आ चुका है, ये रेड आई आप देख सकते हैं, इसका पेयर रेड आई का मेल है और ब्लैक आई की फीमेल, तो इसका माशाल्लाह तीन बच्चे हुए हैं, दो ब्लैक आई हुए हैं और एक ये रेड आई, आपको दिख रहा होगा रेड आई इसकी लाल लाल आके। तो व्यूअर्स, आज का मेरा टॉपिक यही था, आप ये देख सकते हैं ये भी
इसको मैंने अभी अभी अलग करा है, तो इसके अंडे चलिए किसी और तोते के नीचे रखते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे तो ये लग रहा है कि तो मिट्टी के अंदर मैं रखता हूँ अंडे, तो मैं इसकी मिट्टी निकालता हूँ और आपको भी दिखाता हूँ। अगर आपके साथ ऐसा हो तो आप फीमेल के समेत मिट्टी उतार के लगाइएगा। अगर आप ये नहीं कि फीमेल मिट्टी से निकाल के पिंजरे में छोड़ दो, डायरेक्ट मिट्टी निकाल लें, तो फीमेल जो है वो अंडों पे नहीं बैठती है। तो इसीलिए मैंने ये उतारी है मादी के साथ। आप देख सकते हैं कि चार अंडे हैं, इसमें से मैं अंडे चेक करता हूँ, जो ख़राब है वो हटा देता हूँ, जो नहीं ख़राब वो वापिस रख देता हूँ। ये देख सकते हैं फीमेल चिल्ला रही है। इसी के आपको ऐसे अंडे रखने हैं, ऐसे हाथ में यूँ रख के ताकि फीमेल को नहीं दिखे। अगर वो अंडा फीमेल को दिख गया तो फीमेल बहुत होशियार होती है, अंडा तोड़ देती है या तो अंडा बाहर फेंक देगी, वही अंडा जो आप डालेंगे, क्योंकि इसको अपने अंडे का पता होता है। तो व्यूअर्स, मैं अभी इसके अंडे चेक करता हूँ। वीडियो तो मैं नहीं बना सकता अंडे चेक करते हुए, तो मैं अभी चेक करता हूँ खुद ही। बाकी अब देख सकते हैं मैंने मटकी साफ़ करी थी तो अंडे निकले थे, ख़राब अंडे हैं, या भी दिख रहा होगा ये ख़राब हो चुके थे। अब मैं इसके अंडे चेक करता हूँ। तो इस वजह से बहुत चिल्ला रही है, आप ये देख सकते हैं, मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं बहुत चिल्ला रही है, मुझे लग रहा है कि काट ना ले। तो पहले मैं इसके सारे अंडे बाहर निकालता हूँ, एक सही जगह पे रखें ताकि ये अंडे हिले ना बार बार। सही जगह पे आपको रखने हैं अंडे, देख सकते हैं आप, ये फीमेल को लग रहा है काट ना ले। और आपको अंडे सही तरह पकड़ने, ये ना हो कि आप पकड़ें और एक ही दम से छूट दें तो अंडे टूट जाएंगे, तो वो ख़राब हो जाएंगे अंडे। ओ माय गॉड, ये काट रही है। निकल गई। तो व्यूअर्स, इसको मैं पकड़ के रख दूंगा, और आपको पिंजरे के अंदर नहीं डालना है, इसकी डायरेक्ट मटकी के अंदर डालना है, वरना तो ये मटकी में नहीं बैठेगी। सही है गाइस, तो मैं भी अंडे चेक करता हूँ, इसको पकड़ के वापिस रख देता हूँ। इसकी मटकी में जो मट्टी है ये भी साफ कर देता हूँ मैं, ये आप देख सकते हैं, ताकि अंडे सही तरह ये सेके। तो व्यूअर्स, मैंने इसके अंडे चेक करे हैं, इसमें देख तीनों अंडे ख़राब हैं, बाकी एक ही अंडा सही है, बाकी तीनों अंडे ख़राब हैं, मैंने भी चेक करा है। तो अब इसको हटाना पड़ेगा, इसकी जगह ये तीनों अंडे आ सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये मुझे सही मौका मिल गया है। वरना तो अगर ये अंडे सही होते तो फिर मैं अंडे नहीं रख पाता, क्योंकि बहुत सारे अंडे हो जाते। तो मैं इसको भी मिट्टी को साफ वाफ करके देख सकते हैं कितनी मिट्टी है अंदर, इसको मैं फेंकते जाऊँ। वो फीमेल अभी उड़ रही है ऊपर ही। तो व्यूअर्स, ये अंडे आराम आराम से आप रख दें बिल्कुल सही जगह पे। बाकी ये अंडे जो हैं इसके अंदर भी सब में बच्चे बने हुए हैं, ये उस फीमेल के अंडे हैं जो जिसकी आँख खराब हो चुकी है, उसकी ये माशाल्लाह से फर्स्ट ब्रीड थी, लेकिन उसको बीमारी हो गई, मतलब उसकी आँख ख़राब हो गई। मैंने इसकी बहुत ट्रीटमेंट करी थी, इंशाल्लाह ये ठीक तो हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा, इसको मैंने अब अलग कर दिया है ताकि बीमारी किसी और को ना लगे। तो गाइस, मैंने इसके सारे अंडे रख दिए हैं अंदर और मिट्टी भी साफ कर दी है। आपको थोड़ा दूसरा होगा अंडे में फ़र्क, तो मैं फीमेल को पकड़ के इस मटकी में रखता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो व्यूअर्स, मैंने इसको डाल दिया है, अब ये चिल्लाया जा रही है। अब इसको आप ऐसे ही उठा के डायरेक्ट उसमें इसके अंदर डाल देता हूँ मैं, अभी मैं डालता हूँ फिर आपको दिखा देता हूँ। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये फ़ौरन चुप हो गई, मैंने अंदर मटकी लगाई, मेल अंदर मटकी में झाँक रहा है, तो इसकी मेल फ़ौरन चुप हो चुकी है। इंशाल्लाह ये अंडों पर बैठेगी और इंशाल्लाह इसके जो अंडे जो हैं उसके अंदर से ज़रूर बच्चे निकलेंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक मेरा यही था, इसको दिखाना था, आप इसकी आँख वापिस देख लें, आपको कैसा लग रहा होगा आप खुद देखें, इसकी आँख आप देखें बस।
ये दूसरी आँख भी हल्की हल्की सी मोटी हो रही थी, तो मैंने कहा इसको अलग कर दो वरना तो दूसरी आँख से फैल गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इवन मैंने आपको बताया था कि मैं मोर के पैर लगा दूंगा, तो मैंने इसको टेप से छुपा दिया है, एक इस तरफ लगाया है और एक इस तरफ। तो व्यूअर्स आज की वीडियो का टॉपिक मेरा यही था, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कि हमारे अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बराबर में जो बेल का आइकन आता है वो भी दबा दें, जो भी मैं नई वीडियो डालूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप सबसे पहले वो वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस अल्लाह हाफिज़।